समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई। इस दौरान राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विकास मेले को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले विकास मेला को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। सभी संबंधित विभागों द्वारा विकास मेला को लेकर आवश्यक तैयारियों को परिपूर्ण कराया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि 29 दिसंबर को राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर विकास मेला का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जाएगा, जहां सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास तथा नए योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा एवं स्थानीय श्रमिकों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करना, वैसी योजनाएं जिनका शिलान्यास, उद्घाटन अथवा लॉन्च किया जाना है उसके प्रगति को सुनियोजित तरीके से मॉनिटर करना, प्रचार प्रसार हेतु सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना तथा समुचित प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, उपनगर आयुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, DPM, JSLPS, कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, कार्यपालक अभियंता, PHED 1 और 2 व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। कितनी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो सकता है, प्लस उसमें कितनी राशि इन्वॉल्व रहेगी और कितने लाभों को हम लोग परिसंपत्तियों का वितरण कर सकते हैं, उनकी उनमें कितनी सन्निहित राशि रहेगी, कितने सड़कों का अधिग्रहण, सड़कों बनाने के लिए कितने का अधिग्रहण हो रहा है उसमें कितनी राशि इन्वॉल्व हो रही है, मतलब सरकार की तरफ से कितनी राशि जा रही है, पब्लिक को कितनी राशि मिल रही है, कितने लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं और इन जनरल कितने गांव और कितने पंचायत में हमारे विभिन्न सरकारी स्कीम्स जैसे विद्युतीकरण, पेयजल वाला सब पहुँच रहा है।